अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तभी मैं मदीना पहुँच गया हूँ, मदीना मुनव्वरा, और मैं हरम शरीफ के शहन में हूँ। और यहाँ पर काफ़ी आप देख सकते हैं कितना सन्नाटा है, कितना सुकून है। तो अभी टाइम बज रहा है 3:35 सऊदी के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर काफ़ी सन्नाटा है, काफ़ी शांति है। और अभी फजर की नमाज में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का टाइमिंग है। अभी हम चले हैं हमाम में और जाके फिर सुनने। देखिए ये जो मंजर आप देख रहे हैं, ये इसके पीछे ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ना, बाउंड्री लाइन, इसके पीछे रियाजुल जन्ना है। और ये साइड में नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन उससे उधर जाने के लिए, रियाजुल जन्ना में जाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो मैं उधर नहीं जा सकता, तो मैं इधर ही बैठा हूँ रियाजुल जन्ना के साइड में। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मीनार के पीछे मेम्बर रशूर है, यानी कि जो भी मस्जिद नबी की जो मेन जगह है सब इसी एरिया में। और रियाजुल जन्ना के जस्ट बगल में अपना रियाजुल जन्ना के जस्ट बगल में अपना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक है, जस्ट ये बगल में। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि 30 से 40 मीटर की दूरी पर, फासला पर रोजे मुबारक है। तभी मैं अंदर बैठा हूँ रियाजुल जन्ना के बिल्कुल करीब, यहीं से नमाज अदा करूँगा सुबह फजर का। आज नमाज अदा करने के बाद भी बाहर जाएंगे और फिर बाहर के आपको नज़ारा दिखाएंगे। ये देखिए, तभी मैं बैठा हूँ रियाजुल जन्ना के बिल्कुल जस्ट बगल में, यहाँ से नमाज अदा करेंगे फजर का। अभी फजर का वक्त नहीं हुआ, जान होने में तकरीबन आधे घंटे के वक्त है, तो आधे घंटे के बाद यहाँ से नमाज अदा करेंगे। तहज्जुद की नमाज अदा कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। जो रास्ता जा रही है ना, ये जियारत के लिए जा रही है। मैं अभी जाऊंगा और आपको जियारत करके दिखाऊंगा, और वीडियो में बने रहें, आपको भी जियारत करवाऊंगा बिल्कुल करीब से। रोजे मुबारक की जियारत करवाऊंगा आप लोगों को। ये देखें बिल्कुल करीब से गुंबद खिजरा, और इसके अंदर से अभी जाएंगे बाब सलम से होते हुए, ये अंदर से निकल के इस तरह से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। इसके अंदर में रोजे मुबारक है, उसे जियारत करवाएंगे आप लोगों। ये बाब सलम, अरे यहाँ से हम इंटर लेंगे अंदर की तरफ, अरे यहाँ से बिल्कुल वो गेट के दरमियानी हिस्से में रोजे मुबारक आएगा, वो आपको मैं ज़ियारत करवाती हूँ, बाहर की तरफ जाऊँगा, ठीक है ना। आज उतना भीड़ नहीं है, रस काफ़ी कम है, आराम से ज़ियारत होगी। ऐसे अमूमन तौर पे यहाँ पे उतना
खाली जगह नहीं मिलता जितना आज खाली मिल रहा है। काफ़ी आसानी से हम लोग जा रहे हैं। जैसे पिछली बार कई बार आए हैं, जब भी आए हैं यहाँ पे तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, काफ़ी धक्का मुक्की यहाँ पे चलते रहता, क्योंकि लोग यहाँ पर ज़्यादा होते हैं ना, तादाद ज़्यादा होता है। आज उतनी तादाद है नहीं, इसकी वजह से आराम से जा सकते। देखे जाना जाएगा अभी नमाज के बाद, इसकी भी जनाजा की नमाज होगी और जन्नतुल बकी में इनका मिट्टी होगा। जन्नतुल बकी भी लेके चलेंगे आप लोगों को, बिल्कुल करीब है, पास में ही है, लेके चलेंगे। ठीक है, ये बैरियर लगा दिया, इसकी वजह से सही से नहीं देखा पा रहा हूँ। आगे बैरियर थोड़ा हटा हुआ है, वहाँ सबको दिखाने की कोशिश। ये देखे रोजे में, यही है रोजे मुबारक। सलाम वालेकुम। रोजे मुबारक के पास में गार्ड की तैनाती की गई है, रोजे मुबारक के पास में गार्ड की तैनाती है, ताकि कोई कुछ उल्टा पुलटा हरकत ना करें। हम ये जो देख रहे हैं ना सुनहरी, ये जो आप देख रहे हैं सुनहरी जा, ये रोजे मुबारक। تبارك على طول يا شيخ، طريق يا ابو الرحمن، هذه وقوف. अब हम आ गए हैं गेट से बाहर और हमारी ज़ियारत हो गई कम्प्लीट। जब हम गेट से बाहर आते हैं तो ये गेट से बाहर आना होता है, और बाहर आने के बाद बिल्कुल अब सहन में आ जाते हैं। सहन में आने के बाद अगर लेफ्ट साइड में देखें तो वो जन्नतुल बकी है, वो तो थोड़ा दूरी पर है, वो जन्नतुल बकी का एरिया है। तो इंशाल्लाह अभी जन्नतुल बकी में भी जाएंगे, ये नमाज़ कम्प्लीट होने के बाद आपको जन्नतुल बकी की भी ज़ियारत करवा देंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको मदीने का ज़्यारत कराने की कोशिश करूँगा, और इसके बाद जब सारे कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो हम मार्केट जाएंगे। मार्केट जाने के बाद मार्केटिंग करना है, वो भी आपको दिखाऊंगा ये सारी वीडियो में। ये देखिए पास रोजे मुबारक, गुम्बद हिजरा बिल्कुल करीब से। तो अभी मैंने आपको ज़ियारत करवा दिया है रोजे मुबारक अंदर से, और इसके बाद अभी चलेंगे जन्नतुल बकी फजर की नमाज होने के बाद। वहाँ जाने के बाद फिर आपको वहाँ दिखाएंगे, ज़ियारत करवाएंगे उधर। ठीक है, अभी देख सकते हैं रोजे मुबारक गुम्बद खिजरा मेरे पीछे।
चल तो सुबह के वक्त है और हम लोगों को लगी थी भूख, तो मैंने आलू का ये एक नॉर्मल फ्राइड ऑर्डर किया और आमलेट और कुछ मार्केटिंग किया जिसमें जर्नीवाज वगैरह खरीदा हूँ मैं अभी। ये हमारे ख्वाजा साहब को भूख लगी है ज़्यादा, तो ख्वाजा रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो अभी से खाते हैं और खा के टेस्ट करते हैं कैसा, क्योंकि भूख तो बहुत तेज़ भी लगी है, सुबह के वक्त है, रात में खाया था। ठीक है, तभी से खाता हूँ। और ये जो होटल है ये पाकिस्तानी होटल है, पाकिस्तानी होटल में आलू की, ये पाकिस्तानी होटल में नॉर्मल रोटी है साथ में अंडा। तेल काफ़ी लगा हुआ है पराठे के अंदर, काफ़ी तेल। चलो खाना तो पड़ेगा ना, भूख लगी है। हमारा मक्का मदीना, मक्का और मदीना का ज़ियारत बहुत अच्छा की है, उम्रा की है। अभी हम यहाँ पर आके बैठे हैं होटल के बाहर में। ये हमारा होटल है, क्रॉन प्लाजा, क्रॉन प्लाजा। ये जो एरिया देख रहे हैं ना, मदीना से निकलते आपको ये आपको पुल देखा ये देगा, ओवर ब्रिज
से ओवर ब्रिज पुल कुछ भी कह सकते हैं, और ये बराबर में बिलाल मस्जिद है। ठीक है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, इधर काम चल रहा है। जैसे आप मस्जिद से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते ये एरिया में आप बैठ भी सकते हैं। तो हम लोग बाहर निकले, काफ़ी थक गए थे, अभी इधर बैठे हुए हैं और हल्का फुल्का कुछ खाना वगैरह खाया। और ये देख सकते हैं आजू बाजू में बहुत सारा होटल है इधर। ठीक है, तो अब यहाँ से अब हम लोग को जाना होगा गाड़ी की तरफ, और गाड़ी की तरफ जाने के बाद जहाँ से आए यानी कि दम्माम जाना पड़ेगा। तो इसी टॉपिक के साथ करते हैं वीडियो को क्लोज, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो आपको मैं बता दिया, मैं दो या तीन दिन मैं तीन दिन के सफ़र में मदीना और मक्का के सफ़र में था। मैंने पहले वीडियो आप देखे होंगे कि उमरा की वीडियो देखे होंगे मक्का में, और उसके बाद मैं मदीना आया। मदीना में आने के बाद ये जो भी एक्टिविटी थी मैं ब्लॉग में दिखाने की कोशिश किया हूँ। तीन दिन के सफ़र में ना सोया हूँ सही से, ना सही से खाना हो पाया, काफ़ी थक गया हूँ। तो थोड़ा सा आराम की ज़रूरत है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ, और वीडियो को करता हूँ कलो जैसी टॉपिक पर। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।